climate? हो परमानेंट, जो चीज परमानेंट है वो चेंज होना होगी। आप कह रहे 20-30 इयर्स में चेंज हो रहा है, वो तो डायनेमिक हो गया। जो चीज चेंजेबल है वो तो डायनेमिक है, चेंजेबल है, वो परमानेंट हो ही ना होगी। परमानेंट तो रेगुलर होगी, आज है कल भी है और अगले 100-50,000 साल तक भी रहेगी। उसको क्लाइमेट कहेंगे। अच्छा, और वेदर, जतिन जी अगर हम प्लेस कहते हैं तो प्लेस जेपी नगर है, प्लेस आदर्श नगर है, प्लेस बस्ती नौ है, ये अलग अलग प्लेसेस हैं, हर प्लेस का अलग क्लाइमेट है। आपने प्लेस कहा ना, अच्छा रीजन एक्सेप्टेड, सिट डाउन। सो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ एक्सटेंसिव एरिया, इट मे बी अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। एक कंट्री और कॉन्टिनेंट का एक एक्सटेंसिव एरिया का जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, स्टैंड अप, स्टैंड अप, लास्ट बेंच, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ एक्सटेंसिव एरिया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज नोन एज अ क्लाइमेट। मैंने ड्यूरेशन अभी सेट नहीं की। तो क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इट हैज कंटिन्यूसली वर्क, पूछती है मैं यहां हूं, वहां नहीं, यहां हूं आपके 45 डिग्री लेफ्ट साइड, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, पुष्टि, 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 मैंने तीन बार पुष्टि का नाम लिया और किसकी आवाज आई, शैल वी कंटिन्यू। सो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज अ वेदर, इज नोन एज वेदर। सो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन एक्सटेंसिव एरिया एज अ क्लाइमेट, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज अ वेदर। हम वहीं आते हैं, मैंने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का वो वेदर का ही पार्ट है, ठीक है ना। क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इट हैज कंटिन्यूसली वर्क इन दैट पर्टिकुलर रीजन कंट्री और अ कॉन्टिनेंट फॉर 30-40 ईयर्स, उसके बाद वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी है, अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया के क्लाइमेट क्या चेंजेस आ रहे हैं जतिन, आपने ऑब्जर्व किए होंगे, वो तो वेदर चेंजेस है ना, वो तो वेदर चेंजेस है। वेदर इज एसोसिएटिव, शॉर्ट टर्म कहा आपको, शॉर्ट टर्म क्या है, कुछ टाइम तक सुबह आपको ठंड लग रही थी, अभी आपको गर्मी लग रही है, दिस इज एज अ वेदर चेंजेस। कल बारिश हुई, जेपी नगर में हुई, आदर्श नगर में नहीं हुई, दीज आर द वेदर चेंजेस बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस। जेपी नगर में हुई, इसके आउटस्कर्ट्स में कहीं नहीं हुई, माहिरा गेट हुई, मकसूदा में नहीं हुई, वेदर चेंजेस, पर्टिकुलर प्लेस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्टर टेन्योर ऑफ टाइम, नॉट ओनली एज अ टेम्परेचर, रेन ऑल्सो, रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। गर्मी, समर्स का टेन्योर बढ़ता जा रहा है, विंटर्स श्रिंक होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहले विंटर्स नॉर्मली होते थे अक्टूबर टू मार्च, अभी क्या है, विंटर्स आपके ब्लेजर स्टार्ट होते हैं मिड ऑफ द दिसंबर, वो कंटिन्यू रहते हैं मिड ऑफ द फरवरी, 2-2.5 मंथ्स का विंटर्स रह गया। दीज आर द चेंजेस विच आर बिगिन इन अ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जब हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ अ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रिवेल इन इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अ हॉट, हॉट है तो फिर हिमाचल में ठंड क्यों होती है, मॉडरेट होती है तो पंजाब में 47 डिग्री सेल्सियस जून में टेम्परेचर और राजस्थान में 48 डिग्री कैसे होता है अगर ये मॉडरेट है। एम आई करेक्ट, मैंने कहा राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जून के मंथ में, 47 डिग्री पंजाब में भी रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, मैं राजस्थान कह रहा हूँ, राजस्थान वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। इसी के एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अमृतसर में जून जनवरी के मंथ में टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, आप कहते हैं मॉडरेट है, कहाँ 47 डिग्री और कहाँ 0 डिग्री, फिर भी मॉडरेट है।
मैं पंजाब कह रहा हूं, पंजाब राजस्थान एंड गुजरात नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, ये लो। मैं अमृतसर अकेला नहीं कह रहा, सॉरी, हाँ पंजाब क्लाइमेट में आएगा, एक्सटेंसिव एरिया है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। फिर कैसा होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अ, वो कह रहे मॉडरेट है, मॉडरेट नहीं है, हार्श है, ये कह रहे एक्सट्रीमली एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, समर्स आर टू हॉट, विंटर्स आर टू कोल्ड, ये कह रहे हैं। बट साउथ इंडिया में, बॉम्बे में कभी भी विंटर्स नहीं आते, आप कैसे कह सकते हो इससे एक्सट्रीम है और हार्श? टर्न वाइज, टर्न वाइज, यस बोलो बोलो, मैं जस्टिफाई करूंगा अभी, आप अपना स्टेटमेंट दो, बस हो गया आपकी जतिन। बॉम्बे के पास कोई रिवर नहीं होती, बॉम्बे सी है, चेन्नई मॉडरेट सी है वहां पर, साउथ इंडिया बैंगलोर इंटीरियर्स में है, मॉडरेट मॉडरेट, मैंने बैंगलोर का, स्टैंड अप ब्रिजेश, स्टैंड अप, जस्ट लीव माय क्लास ब्रिजेश, स्टैंड अप दिव्या, अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, इनकरेक्ट, रिद्धिमा अरोड़ा, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, सिट डाउन, इनकरेक्ट, यस रिद्धिमा अरोड़ा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमोस्फेयर मींस जो एटमोस्फेयर अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स, इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर, इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर, फिर तो पूरी अर्थ पे इक्वल प्रेशर होना चाहिए। अब आता हूं, ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमोस्फेयर, एम आई करेक्ट, इसी को कहते हैं एयर ने सराउंड किया अर्थ को, आपके अकॉर्डिंगली द सिट डाउन, एटमॉस्फेयर हैज एक्सर्ट्स अ प्रेशर, जहां पे एयर ने अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है, प्रेशर इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, इक्वल प्रेशर होना चाहिए अर्थ के ऊपर, पर कहीं पर लो प्रेशर होता है, कहीं पर हाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, नाउ देयर इज अ हाई प्रेशर हैज डेवलपिंग इन नॉर्दर्न इंडिया कंपैरेटिवली द सदर्न इंडिया, दैट्स व्हाई द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथवर्ड, इसको रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स कहते हैं। अगर वो सेम प्रेशर है तो विंड्स मूव कैसे करेंगे, अगर प्रेशर ही सेम है, प्रेशर में डिफरेंसेस है, इसी कारण विंड्स मूव करते हैं, विंड्स आर जनरली मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज। एनीबडी, यस एनीबडी फ्रॉम द गर्ल साइड, अमाउंट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मास ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मास ऑफ एयर, किसी एरिया में एयर विंड प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी उसमें हाई प्रेशर होगा, जहां विंड्स कम होगी एयर कम होगी वहां पर लो प्रेशर होगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली वर्क्स, इफ द हाई टेम्परेचर इज देयर देन द प्रेशर विल बी द लो, रीजन व्हेन द विंड्स आर हीटेड अप विंड्स दे बिकम्स एज अ वार्मर इट बिकम्स एज लाइटर, हल्की हवा राइज कर जाती है ऊपर, ठीक है ना, राइज कर जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाएगी विच इज अ हैवियर, कोल्ड एयर इज अ हैवियर विच हैज लाइज नियरर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, जहां हवा ज्यादा होगी विंड ज्यादा होगी एयर ज्यादा होगी वहां पर हाई प्रेशर होगा, जहां कम होगी वहां लो प्रेशर होगा, जहां टेम्परेचर हाई है प्रेशर लो होगा, जहां पर टेम्परेचर लो है प्रेशर हाई होगा, ये ऑपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। पोलर एरियाज में टेम्परेचर लो होता है, ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा सर्फेस के साथ रहेगी, वहां पर हाई प्रेशर डिवेलप होता है। इक्वेटोरियल एरियाज के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू एज अ वर्टिकल सन रेज, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर द लो प्रेशर, एयर राइज कर जाएगी, उससे क्या होगा लो प्रेशर डिवेलप। जितने आपकी टर्न, कुछ पूछ रहे थे आप, हाँ जी विजय, रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, प्रेसिपिटेशन हैज डिफरेंट फॉर्म्स, ड्यू इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नो इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, फ्रॉस्ट फॉग स्लीट हेल ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ रेन, वॉटर किसी फॉर्म में सॉलिड गैसियस लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे आ रहा है उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ये सारी उसकी फॉर्म्स हैं। ड्यू क्या होता है, नॉर्मली आप सुबह उठते हैं घास के ऊपर आपको वॉटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, दिस इज अ ड्यू। फॉग क्या है, फॉग इज ऑल्सो द वेपराइज फॉर्म ऑफ अ वॉटर, इट हैज लाइट्स इन अ 0 to 10 meters of height, 10 meters से above जाओगे आपको fog नहीं मिलेगी। स्लीट देखा होगा आपने, कोहरा,
सर्दियों के मौसम में एक व्हाइट लेयर सी बिछ जाती है घास के ऊपर, ठीक है, आइस जम जाती है. व्हेन द ड्यू हैज रीचिंग एट द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, ड्यू हैज ट्रांसफॉर्म इनटू एज अ स्लीट, कोहरा पड़ जाता है व्हाइट व्हाइट. दिस इज एज अ डिजास्ट्रस फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है उससे. हाँ जी, ड्यू वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन अ सर्फेस, जब वो फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचे वो स्लीट बन जाता है, ठीक है ना. वही वाटर जो ड्रॉपलेट में गिर रहा है उसको आप रेन कह रहे हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में गिरेगा उसको आप स्नो कह देंगे, ठीक है ना. बट दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यू आर फेमिलियर विद दिस, साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल. उसका रिलेशन नहीं है इसमें. यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट? एनीबडी? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लाइमेट? एयर. सेकेंड क्या कहा ना? वॉटर. क्लाइमेट, नेम ऑफ अ चैप्टर, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर. क्लास में हो? मैंने कहा क्लास में हो? नहीं हो. अभी चार पॉइंट्स बताए मैंने, कौन से बताए वही रिपीट कर दो. बताओ, मेंटली क्लास में नहीं हो? वेक अप जपप्रीत सिंह, वेक अप. बोले करणवीर, वो तो कहीं भी नहीं बोले मैंने. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर और क्लाइमेट नहीं आए. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. जो क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं वही वेदर के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएटेड है, वेदर एक एक्सटेंसिव एरिया से, चाहे वो कंट्री हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो सकता है, ठीक है ना. टेल देयर एनी डाउट्स ना? विंड एलिमेंट नहीं है, ठीक है. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है? टेल देयर एनी डाउट्स? सो सम ऑफ द टर्म्स यू विल लर्न इन दिस चैप्टर. हाँ क्या? ह्यूमिडिटी अभी बोला नहीं? विंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एसोसिएटेड है ना. नेक्स्ट चलें. सो सम ऑफ द टर्म वी विल लर्न, वी विल रिपीट इन दिस चैप्टर एज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. व्हाट इट मींस रेंज ऑफ टेम्परेचर? डिफरेंस बिटवीन अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम टेम्परेचर. रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. अंडरस्टूड है आपको? ओके. सेकेंड, आइसो हाइट्स. आइसो हाइट्स, आई एस ओ एच वाई टी ई एस, I S O H Y T E S, ISO heights. Those imaginary lines drawn on map. इसी explanation नहीं मिलेगी book में, but these are drawn on a map. These are the ISO heights. Page number 32, figure 4.4. These are the advancing monsoon winds. 1st जून तक मानसून कहां तक आ रहा है, उसके बाद 5th जून तक कहां आएगा, 15 जून तक आएगा पंजाब में, वो 1st जुलाई या 15 जुलाई तक पहुंचेगा. दीस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज आइसो हाइट्स. आइसो हाइट्स, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन मैप टू शो एरिया रिसीविंग इक्वल रेनफॉल. Equal rainfall, areas receiving equal rainfall. अगर इस मैप को देखा जाए, first June अगर ये लाइन देखे, ये केरला के कोस्ट से लेकर तमिलनाडु तक जा रही है, चेन्नई तक. It means that those areas which are south of that line, these are receiving the rainfall till the 1st of June. Monsoon starts striking over the coast of Kerala in a first week of a June. After crossing the 40-50 days, these monsoon winds are reaching in a parts of a Punjab. Mid of July में rain होती है पंजाब के अंदर, ठीक है ना. So same areas which are receiving as a equal amount of a rainfall, उन areas को जोड़ने के लिए जो lines, imaginary lines use की जाती है, उसको ISO heights कहते हैं. ISOHYTES, clear? Third, isotherms. Isotherms, ISO. बताया हुआ है, एक्सप्लेन कहीं नहीं है. जैसे वो लाइंस दिखाई हैं आपको, आइसोथर्म्स भी बनी, आइसोबार्स भी बनी हुई है लाइन, ठीक है ना. अगर बाहर से पेपर सेट होता है वो डाल देगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैप में
बुक में मार्क्ड है, आइसोथर्म्स, ISOTHERMS, स्पीड ठीक है, आइसोथर्म्स, दोज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन मैप, ड्रॉन ऑन मैप शोइंग द एरियाज हैविंग इक्वल टेम्परेचर, हाइट्स आर द इक्वल रेनफॉल, थर्म्स आर इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर, दोज इमेजिनरी लाइंस, उस आइसो हाइट्स मीन्स रेनफॉल, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर, लाइंस ड्रॉन ऑन मैप टू शो एरियाज रिसीविंग इक्वल रेनफॉल, इक्वल टेम्परेचर, रेनफॉल मीन्स हाइट्स HYTES, थर्म्स आर द टेम्परेचर, आइसो बार्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, रेस्ट विल बी एज द सेम एज यूजुअल टू द आइसो हाइट्स एंड थर्म्स, दोज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन मैप विच आर शोइंग द एरियाज ऑफ इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर, आइसो बार्स, BARS, आइसो बार्स, आइसो बार्स, एक और होता है कंटूअर्स, CONTOURS, कंटूअर्स, कंटूअर्स, CONTOURS, कंटूअर्स, दोज इमेजिनरी लाइंस विच आर शोइंग द सेम ऑल्टीट्यूडनल एरियाज, सेम हाइट के एरियाज को दिखाने के लिए मैप पे लाइंस को यूज किया जाता है, कंटूअर्स, CONTOURS, बोलिए जल्दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरियाज हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइसोबार्स, क्लियर, आई एम अगेन रिपीटिंग, एज आइसो हाइट्स आर द रेनफॉल, आइसोथर्म्स टेम्परेचर, आइसोबार्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और कंटूअर्स ऑल्टीट्यूड, हाइट को दिखाने के लिए, अगर ब्रिजेश जी मैप पे माउंटेन्स बनाना चाहते हैं वहां सेम लाइंस बनाई जाएंगी, उसके साथ उसके मीटर लिख देंगे, इट्स 8000 मीटर्स, देन नेक्स्ट सर्कल इट विल बी एज इंडिकेट्स टुवर्ड्स 8200 मीटर्स, जिन एरियाज की हाइट सेम है, ठीक है, कंटूअर्स, आएगा, सेम कह दिया, इक्वल मीन्स सेम, सेम ऑल्टीट्यूडनल एरियाज, इक्वल हाइट, अंडरस्टूड, सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर व्हिच आर यूजिंग फॉर अ क्लाइमेट, क्लाइमेटिक फिनोमेना, फॉर एग्जाम्पल रेन कैन मेजर थ्रू द, वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ अ रेन रिकॉर्डेड इन एन एरिया इज अ, वो सिस्मोग्राफी के लिए होता है, अर्थक्वेक के लिए, यस दिव्या, विच इंस्ट्रूमेंट हैज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि जेपी नगर में आज इतनी रेन हुई है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, हाँ वही वही, वेरी गुड, चलो आगे चलें, रिश्टर स्केल यूज फॉर द मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये नहीं आएगा, सिस्मोग्राफ भी अर्थक्वेक से एसोसिएटेड है, मैंने रेन पूछा, यस जी, नेक्स्ट चार भी, डू यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर, यस और नो, रेन, वेरी गुड, रेन गॉज, GAUGE, रेन गॉज, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन, रेन गॉज, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर थ्रू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसको भी मेजर किया जाता है, सबके पास होती है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के पास होती है, साइकिल वाले के पास नहीं होती, ठीक है, वो पकड़ लिया उसने, नाम क्या है, बैरोमीटर, बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर, प्रेशर पता लगता है किसी एरिया में हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, वो टायर का प्रेशर चेक करने के लिए होती है, ठीक है ना, बैरोमीटर, नेक्स्ट थर्ड, ह्यूमिडिटी इट कैन ऑल्सो मेजर, ह्यूमिडिटी, हेदर ग्राफ, HYTHER, हेदर ग्राफ, HYTHER,
हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर हैज प्रेजेंट इन अ ईयर, उसके लिए हीदर ग्राफ यूज किया जाता है, एच वाई टी एच ई आर जी आर ए पी एच, हीदर ग्राफ. एंड लास्ट टेम्परेचर, उन्हेंसा टेम्परेचर, हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर, उन्हेंसा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. वेरी गुड आंसर, थर्मोमीटर. आपको पता नहीं था, आप जब गेट में एंट्री करते वो चेक नहीं करते, टेम्परेचर नहीं चेक करते, आपको पता ही नहीं है.